अपन लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच गए हैं जी। तो देखो ठीक है जी, सो लेक्चर नंबर 6 एपी सीरीज। तो देखो तो देखिए जी की कह रहे हैं तो देखो ले है। ठीक है, पिछले लेक्चर च आप 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इंट्रोडक्शन पढ़ ली सी। कहना सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज दिस। सम ऑफ 3 नंबर्स, सम हैगा -3। 3 नंबर्स केड़े सी, ए ए प्लस डी, ए माइनस डी, है ना। 3 नंबर्स आही आने सी, ए माइनस डी, ए तो ए प्लस डी, और तो नू याद है। ठीक है जी, सो ये की कह रहा है, कहता इन्हों का सम हैगा -3। ठीक है जी, सो यदा मतलब 3a इज इक्वल टू -3, ए की वैल्यू -1 आ गई। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। सो इन की प्रोडक्ट है जी ए ए माइनस डी, सो 8 है, 8 है, ए की वैल्यू -1 आ गई जी। सो -1 आ गई, इतने 1 इतने डी स्केयर, सो ए डी स्केयर -1 इज इक्वल टू 8, डी स्केयर इक्वल टू 9 प्लस -3। सो नंबर की आ जाएगा, नंबर आ जाएगा एक बार तो तुसी ए ले लोगे -1 तो डी ले लोगे 3। सो ये आंसर आ जाएगा ए -1, डी तुसी 3 लिया 4, ए -1 सीगा, डी तुसी 3 लिया था। सो एक पॉसिबिलिटी तो इन्हों नंबर से आ जाएगी। ठीक है जी, आंसर आ गया -4 -1। ठीक है जी, तो ए -1 सी ना, इतने 2 आएगा। ठीक है जी, सो ये आ गया दूसरा जोड़ा है थोड़े को, ए की वैल्यू -1 ही रहेगी, डी की वैल्यू -3 आ जाएगी। सो ए की वैल्यू -1 ही रहेगी, डी की -3 आ जाएगी, तो इधर -4 आ जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद जे ए दी वैल्यू -1 है पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। सो दोनों फिर इक्को जी आए, -4 -1 2, तो 2 -1 -4, सो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। सो ये केस 1 हो गया, सो ये केस 2 हो गया। ठीक हो गया जी, सो अपना जोड़ा है गया निकल फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। ठीक हो गया जी, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, हुण क्वेश्चन कह रहा है, कहिंदा फाइंड 4 नंबर्स। हुणे तुहानूं दस्सिया सी 4 नंबर्स लई पहलां ए प्लस डी लैणा, फिर ए प्लस 3d कर देना, क्योंकि आपां डिफरेंस 2-2 दा रखना है, 2d दा। तो इहदा मतलब अगला की होगा, ए माइनस डी, 2 दा डिफरेंस आया, ए माइनस 3d। सो ये 4 नंबर है, 4 नंबर्स आर ए पी हु सम इज 20। तो इन्हों का सम है जोड़ा ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, सम इज 20। एंड सम ऑफ हूज स्केयर्स, सम ऑफ हूज स्केयर्स ए माइनस 3d दे स्केयर द, ए माइनस डी दे स्केयर द, ए प्लस डी दे स्केयर द, ए प्लस 3d दे स्केयर द, सम ऑफ हूज स्केयर्स। ठीक है, कितना देता है क्वेश्चन 120। फाइंड नंबर्स, तो फाइंड नंबर का मतलब है मैं तो डी लभदा, मैं थोनों तो तुम नंबर लभ लोगे, तो जे तुम इन ऐड किया ना डी 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 ए तो कटे गए 1 2 3 4, 4 ए बराबर है 20, सो ए बराबर है तो 5 आ गई। ठीक है जी, सो ए की वैल्यू तो 5 आ गई। हूँ आप क्या करांगे, हूँ आप स्केयर खोलेंगे जी इतने, सो ए बनेगा ए स्केयर प्लस बनेगा बी स्केयर, माइनस कितना बनेगा जी 6ad। ठीक है, जोड़ ए स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2ad, जोड़ ए स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2ad, जोड़ ए स्केयर प्लस 9d स्केयर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। ठीक हो गया जी, सो 6ad 6ad 2ad 2ad ये तो कट गई। हूँ तुम देखो ए किन्ने बचे, 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर 4 स्केयर, सो 4a स्केयर। डी देखो किन्ने, 9 9 18 19 21 20 डी स्केयर इक्वल टू 120, 4 नाल डिवाइड कर दो 5d स्केयर, सो ये आ जाएगा 30। सो मेरा ख्याल है जी इतने तक तो समझ आ गया सारे देखो। ठीक है, ए स्केयर प्लस 5d स्केयर इज इक्वल टू 30, ए की वैल्यू पता अपन, हाँ जी 5, 25 प्लस 5d स्केयर इक्वल टू 30,
सो 5d² इज इक्वल टू 5d इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक हो गया जी। हम तुसी केस 1 लेना है, a दी वैल्यू 5, d दी वैल्यू 1। सो इधर ना तुसी नंबर्स कर लेने, नंबर्स कितनों निकलेंगे, इतनों निकलेंगे। सो वैल्यू फिल कर दो जी और देखो कि आ रहे 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं। देख लो a प्लस डी, सो 6 आ गया। ठीक है, a प्लस 3d 8 आ गया, a माइनस डी 4 आ गया, a माइनस 3d 2 आ गया, क्योंकि ये 5 है ना, 3d कट गया। सो सिमिलरली अदर कुछ की लोगे a 5d माइनस 1, खुद कर लेना। ठीक है जी। सो ये हो गया जी, तो समझ भी आ गया। हूँ आप अगे चलिए, कहता डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स विच आर इन ए पी सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू मैंने रेशियो हूँ प्रोडक्ट ऑफ मीनस। ठीक है जी। सो पहला तो 4 नंबर लिखने पैणगे। सो जी 4 नंबर लिखने पैणगे, हमने की क्या सी 2-2 का डिफरेंस, सो ये 3d, सो ए माइनस डी, सो ए माइनस 3d, सो ये तो हो गया। ठीक है जी। हूँ छोटे होंगे याद करो 6th क्लास पहली तो चौथी एक्सट्रीम्स होंदिया सी, ए मीनस होंदिया सी। ठीक है। सो इसका मतलब अपन क्वेश्चन की कह रहा है, स्टेटमेंट दोबारा देखो जी, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स ले ले का मतलब है कि समता इन्होंने 4 पार्ट्स नहीं दे देना है ना, 32 नू ही 4 पार्ट्स डिवाइड करना सी, ए माइनस तो ए माइनस डी तो ए प्लस डी, सो ए प्लस 3d, ये 32 है, सो d आ कटिया गया, सो 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया जी। सो ए 8 हो गया, तो अगर ए 8 हो गया तो आपके कोल हुण आप क्या करांगे, इधर तो काम निपट गया। उस तो बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम इज टू, एक्सट्रीम होंगी बारलियाँ, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू मैंने रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू रेशियो, आ की है 7:15। रोला की है, ए पता है, डी कढ़ना है, कि डी को औखी चीज़ है, कोई औखी नहीं, कि ए दी वैल्यू 8, इतने की बन गया ए स्केयर 9d² बन गया, इतने ए स्केयर माइनस डी स्केयर बन गया। ठीक है जी। सो ए स्केयर 64 माइनस 9d² 64 माइनस डी स्केयर 7/15। इतों की करना है, इतों करना है फाइंड डी। सो जो तुसी डी फाइंड कर लोगे उस तो बाद तो जोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो डी की आंदा तुसी मैं कमेंट करके लिखना जी की आंदा है। ठीक है जी। उस तो बाद तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है जी, आराम ना कर लोगे तो को। हाँ जी, जो तुम्हें तो समझ आ जाता होंगे ना, तो वीडियो यूट्यूब पर लाइक कर दिया करो, तो ऐ हो जाता भी जिन्हें बनाया होंगे वह भी खुश हो जाता थोड़े को। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पी। सो सिर्फ याद रखनी गल है, कोई पेपर से लिखनी नहीं आती। इफ कॉन्सटेंट टर्म इज एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ ए पी, अगर कोई कॉन्सटेंट टर्म तुम चाहे ऐड कर दो चाहे सबट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्ट रहेगा वो ए पी ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहेगा, कोई प्रूफ नहीं रिक्वायर्ड, कोई कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना है। अगे इफ ईच टर्म ऑफ ए पी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कॉन्सटेंट दैन रिजल्ट आलसो, चाहे तुसी मल्टीप्लाई कर दो चाहे तुसी डिवाइड कर दो, हरेक टर्म नू रिजल्ट सेम रहेगा, पर इतने कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई च बच जाता हूँ, डिवीजन च कट जाता हूँ, क्योंकि के ना डिवाइड हो जाता। ठीक है जी। उस तो बाद जो है तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझनी भी ध्यान नाल है। इन ए फाइनाइट ए पी द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है जी। सो क्वेश्चन ध्यान ना देखो की है जी, आ प्रॉपर्टी कहता इन एन फाइनाइट ए पी, कोई फाइनाइट ए पी द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम, कि बराबर होंगे। ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म।
ठीक है जी। हुण जे आपां ना पिछले लैक्चर च जाइए, आपां उत्थे इक एग्जाम्पल कीती सीगी तुहाडे कोल, और वो एग्जाम्पल की सीगी तुहाडे कोल, मैं मान के चलदा तुसीं लैक्चर सीरियल वाइज देखे होणगे, तां उहदे विच जिहड़ी है आपां इक एग्जाम्पल लई सी, और एग्जाम्पल क्या सी, 3 और 19 दे विच आपां 3 अरिथमैटिक मीनस कढ़ियां सी, 1 7 1 11 ते 1 15। देखो सत्त चार का फर्क है, चार का फर्क है, चार का फर्क। हाँ जी, सो ये सारे एपी च ने, ये मेरे को ध्यान ना, ठीक है जी। हुण वो कहिंदा कि चाहुंदा हैगा तुहाडे पास, वो देखो सिंपल एग्जाम, इन एन फाइनाइट एपी हैगी है, द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग ते कौन है, आहा 19, मतलब ये इत्थे बिगिनिंग ते 3 है, इत्थे इधरों कर लो, इधरों कोई चक्कर नहीं, आ बिगिनिंग आ एंड, तो इन्हें सम कि बनया 22। इज आलवेज सेम, ठीक है, कहिंदा क्या कह रहे हैं, इन एन फाइनाइट एपी, ध्यान ना सुनना, सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज आलवेज सेम एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कितना आया, 3 ते 19 22। हुण देखो इधरों सैकेंड चको, उधरों सैकेंड चको, उहदा सम कितना आया, 7 जमा 15 22। सो जो फस्ट इक्वी डिस्टेंस फस्ट और लास्ट का जो सम आया, इधरों दूजी होगी उधरों दूजी, वह भी सेम आएगा, इधरों तीजी उधरों तीजी होएगी, तो भी आंसर सेम आएगा, ये पक्का हैगा सब किताब। ठीक हो गया जी, सो रिजल्ट याद रखना, कितने ना कितने काम आ जाता है, किसी भी क्वेश्चन से एग्जाम्पल लैके देख लो, आ फस्ट है आ लास्ट है, अंदरों इक्वी डिस्टेंट मीनस इधरों दूजी उधरों भी दूजी, वो तो है ही सेंटर चा भी ना। सो हुण आपां क्वेश्चनस देखिए, हुण ये क्वेश्चनस किदां दे क्वेश्चन ने तुहाडे कोल, और इदां दे क्वेश्चन तुहानूं मिसलेनियस दे विच मिलणे ने जी। ठीक है जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज जिहड़ी तुहाडी बुक दी है, उहदे विच ये क्वेश्चनस हैगे ने, स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजिज दे विच क्वेश्चनस नहीं हैगे। की कह रहा, कहिंदा ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी च ने तुहाडे पास, प्रूव दैट फॉलोविंग आर आलसो इन ए पी, कहिंदा जिहड़े फॉलोविंग ने वह भी ए पी दे विच ने, ये तुसी जिहड़ा हैगा तुसी प्रूव करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो इन्हां दे जिहड़े प्रूव करन दा तरीका है, ये टीचर टू टीचर वेरी करदा, बुक टू बुक वेरी करदा, किस तरह तुहानूं कन्वीनियंट लगता तुसी देख लैणा हैगा, वो कितना है मैं तुहानूं करके दिखाऊंगा। कहिंदा ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है जी, ए बी सी ए पी दे विच ने, ठीक है, ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव दैट फॉलोविंग आर आलसो इन ए पी, कहिंदा जिहड़ियां होर ने वो तुहाडे पास, वो भी आलसो इन ए पी ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनना, ए बी सी आर इन ए पी, इहनूं असीं ए पी शो करना। हुणे तुहानूं आपां की पढ़ाया, आपां तुहानूं ये पढ़ाया जी कि अगर तुहाडे पास ए बी सी होण, उहनां नूं उहनां हरेक टर्म चों कुछ घटा लो तां वी ए पी च हुंदियां ने। ठीक है जी, अगर तुहाडे कोल कुछ कॉन्सटेंट जोड़ दो सारियां तां वी ए पी दे विच हुंदियां ने, अगर तुसीं मतलब डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, सबट्रैक्शन भी है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां तुहाडे कोल ए ए पी दियां प्रॉपर्टियां ने। हुण तुहानूं क्वेश्चन की कीता, ए बी सी आर इन ए पी, सो ए बी सी आर इन ए पी, एक तरीका की है, देखो ध्यान ना सुनना, सो इहदा सोल्यूशन, ए बी सी आर इन ए पी, और तुसी आ फॉर्म करना। ये तरीका कई बार डिफिकल्ट लगता थोड़े को, पर चलो कोई गल नहीं, आप एक बार करके तो देखिए। हुण जे आ ए बी सी ए पी दे विच हैगे आ तुहाडे पास, ये क्वेश्चन तो सौखा ही है। हुण तुसी हरेक नू ए बी सी ना डिवाइड कर लो, हुणे तुसी प्रॉपर्टी पढ़ी सीगी कि सेम रकम ना डिवाइड करे तो ए पी ही रहिंदा, सो इहदा मतलब ए भी ए पी च ही होगी। ए ना ए घट गया, 1/BC, 1/AC ते 1/AB आर इन ए पी। सो क्या तुसी बना पाए, यस तुसी बना पाए। हुण इत्थे बंदा कहिंदा की औखा सी जी सारे दे विच, वाकई कुछ नहीं औखा सीगा, ठीक है, बट ये क्वेश्चन करन दा एक तरीका होर है। सो अगले क्वेश्चन च मैं दो एग्जाम्पल लैंदा वा पैरेलली, तुसी ध्यान नाल सुनो। एक तरीका ये है जो मैनू लगता बैटर है, देखो जो मैथ होंगे ना, मैथ विच कोई भी टर्म एबसोल्यूट नहीं होंगी,
कोई भी टर्म एब्सोल्यूट नहीं होंगी, मतलब मैं तो कहूँ मैनू बैटर लगता है, इस करके एब्सोल्यूट टर्म है, इस करके पक्का ट्रूथ है, इस करके पक्का सच है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हो सकता है तो इस तो बैटर भी लगे, क्योंकि जो डिफिकल्टी है वो भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। कुछ चीज़ें मैनू औखियाँ लग सकदियाँ तो अनुसौखियाँ, कुछ तो अनुसौखियाँ मैनू औखियाँ। ठीक है जी, इस करके जोड़ा है तो दोनों तरीकों में फोकस करो, देखते हैं की है। हूँ एक बंदा तो कहता वो इस तरह स्टार्ट कर दे, हाँ जी ध्यान ना सुनियो जी मैं की कह रहा, क्योंकि अगले दो क्वेश्चन है, वीडियो खत्म हो जाएगी पाँच चार मिनट चो, कोई दिक्कत नहीं। एक बंदा तो एम ही चलता ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, तो ये ना ए प्लस बी प्लस सी सबट्रैक्ट कर देना, ये भी ए प्लस बी प्लस सी सबट्रैक्ट कर देना, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी सबट्रैक्ट कर देता। तो सेम टर्म सबट्रैक्ट करे तो कोई फर्क नहीं पैंदा, सो ए माइनस बी प्लस सी आ गया, ए माइनस ए प्लस सी आ गया, ए माइनस ए प्लस बी आ गया, और नेगेटिव वन ना डिवाइड कर देना आपको, है ना, डिवाइडेड बाय नेगेटिव वन। तो ये आ गया बी, देखो आ वाली चीज़ ए पी च है, कुछ कटाओगे तो भी ए पी च रहेगी, कुछ डिवाइड करोगे तो भी ए पी च रहेगी। सो बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी आर इन ए पी। ठीक है, ये तो सीधा तरीका। हूँ जिहड़ा तरीका मैं लेके जा, क्योंकि सीधा तरीका तो है, देखो आपां सोल्व कर दिता, मैं सोल्व कर दिता, तुसीं मान लिया कि सीधा तरीका है, बट समटाइम्स बंदे दे दिमाग च नहीं आंदा कि ए प्लस बी घटाना है, ए प्लस बी सी घटाना है, या ए बी सी ना डिवाइड करना है। ये जरूरी नहीं कि बंदे दिमाग च आवे। फिर दूजा तरीका केड़ा, वो इफ मैथड हुंदा, इहनू ए पी शो करना ना, तां ए पी दी कंडीशन की हुंदी है, ए पी दी कंडीशन आ हुंदी है, ए पी दी कंडीशन जिहड़ी हुंदी है वो आ हुंदी है कि टू टाइम्स सेंटर वाली टर्म इक्वल टू ए प्लस सी, आही हुंदी ए पी दी कंडीशन, दसवीं च भी बड़ी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये जिहड़ी हैगी है कंडीशन हैगी। तुसीं की लिखना, तुसीं लिखना बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी, ए पी च होणगे इफ मैथड, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है जी, सो की लावा, कला इफ ला लो, बहुत पेज का लोड़ नहीं। इफ जे ए पी च कंडीशन आही होंगी है टू एदा दुगना बराबर बी प्लस सी ए प्लस बी होएगा, पहले तीजे का जोड़ बराबर है टू टाइम्स, इफ दो सी प्लस दो ए बराबर टू बी प्लस सी प्लस ए, इफ एक सी का सी प्लस ए इज इक्वल टू टू बी। हूँ आ चीज़ टू होगी ना, कहना इफ जे होवे जे होवे जे होवे एंड च आ चीज़ आ गई, आ ट्रू है, क्यों, बिकॉज ए बी सी आर इन ए पी ए गिवन है। सो ये ट्रुथनैस वेरीफाई होंगी हैगी है तुहाडे कोल। सो ये ज़्यादा बैटर मैथड है, क्योंकि तुसी इफ इफ लाई जाओगे, जे है ता होएगा ता होएगा ता होएगा, जे एंड वाली रकम ए बी सी ए पी शो कर दें एंड च ए ट्रू आ जाता है तो समझ लो सारा मुड़ भी ट्रू हैगा है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं हैगा। सो ये ज़्यादा बैटर है, बाकी तुहाडी इच्छा जिदा तुसीं करना कर लो। ठीक है जी, सो ये हो गया जी, आप इसनों करके देखिए तुहाडे कोल। ठीक है जी, हूँ जिहड़ा क्वेश्चन है तुहाडे पास वो की कह रहा है तुहाडे कोल, कहिंदा एक ना ला बी सी तुहाडे कोल ए वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है। हुण जे मैं इहनू बनाना होवे, सोच के देखो, जे आपां इहनू बनाना होवे वन ओवर ए ते वन ओवर बी ते वन ओवर सी, तो फिर किस तरह के हालात होंगे, जो सीधा चलना, दूजा तुसीं खुद करके देखो, आर इन ए पी। ठीक है जी, आर इन ए पी है तो तुसीं देखो तुहाडे कोल, तुसीं एलसीएम लोगे ना बी सी आंदा ते सी आंदा, तो आपां की करदे इहनू ए बी सी नाल डिवाइड कर दिंदे हां, ये सारे इन ए पी होंगे, क्योंकि डिवाइड करे तो क्वेश्चन कोई फर्क ही नहीं पैंदा। सो वन ओवर बी सी वन ओवर ए सी तो वन ओवर ए बी आर इन ए पी। सो अभी हो गए, ठीक है जी, बनाना चाहते उदा की चीज़ इतने रकम कि ने बी प्लस सी फिर ए बी बी सी है, सो ए बी बी सी वाली बनानी है तो करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगले नू भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नाल मल्टीप्लाई कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नाल मल्टीप्लाई कर लो। हुण इत्थे तुसीं क्वेश्चन पक्का राइज करोगे, तुहानूं पता किवें लग्गिया, सोच के देखो ना। एलसीएम लो, एलसीएम दे लो बी सी, उपर आंदा है सी प्लस बी, तो ए बी सी, ए बी तो सी तो बन ही रही हैं दो टर्म, एक घटूगी, वह तो मैं हमने वन वन उड़ा ही देना थोड़े पास निश्चो कॉमन कढ़ के, तो आह वाली चीज़ बन गई जी थोड़े को, जे आह वाली चीज़ बन गई उत्थे दो दो टर्म चाहिए। तो अगले स्टेप की करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी माइनस सारे चो कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय ए सी माइनस कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी माइनस एक कर दो। हुण जदों माइनस करोगे तो एक एक टर्म कट जानी, सो इतों बी सी कट जानी है, सो ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, इतों ए सी कट जानी, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, सो इतों ए बी कट जानी, बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है जी, सो एलसीएम लिया गया। हुण इहचों ए कॉमन कढ लो, अगर ए कॉमन कढ़ते हो तुहाडे कोल, ठीक है, तो नाल नाल सैपरेट कर दिंदे हो, ए कॉमन कढ़ के बाहर उपर की होगा बी प्लस सी, नीचे बी सी, सो ए चो की कॉमन कढ़ लो तुहाडे कोल, जिहड़ा नीचे वो देख लो ना, तो ए चो बी कॉमन कढ़ लो, ए प्लस सी नीचे ए सी आ जाएगा, इतों सी कॉमन कढ़ लो, बी प्लस ए नीचे ए बी आ जाएगा। हुण तुसीं इहनूं सैपरेट कर दो, कुछ नहीं होगा। सो ठीक है जी, तुहाडे कोल तो ये चीज़ तुसीं बना लोगे, डिफरेंस लैके करना तो इफ इफ करके लिखते जाने, अगला डिफरेंस लैके कर देंगे। सो अगला अंडर रूट च है जी, अंडर रूट च बनाने कई बार दिक्कत आ जाती है, तो फिर इस क्वेश्चन करने लिए की करना, थोड़े पास तुम लिखो दे आर इन ए पी इफ इफ टू टाइम्स सेंटर वाले का सो ए चीज़ होएगी जी, जे ए चीज़ होएगी थोड़े पास, ठीक है। देखो सिंपलीफाई इसनों भी करना पड़ना, ऐसा तो है नहीं कि सिंपलीफाई जड़ा हैगा कि आराम ना हो जाना हैगा, बट अंडर रूट वाली रकम है रैशलाइज करे तो भी सौखी हो जाती है, सिंपल एलसीएम ले तो भी सौखी हो जाती। हमने तुसी देखना थोड़ी हिम्मत है कि जड़ा हैगा तुसी की करना हैगा। तो ऐसे करो जी, थोड़े को करो क्वेश्चन आर इन ए पी इफ तुसी लिखो ही है, क्योंकि फिर एलसीएम सौ दूजी माइनस पहली डेफिनेशन लगा लो इज इक्वल टू तीजी माइनस दूजी, ठीक हो गया जी। सो ईजी हो गया थोड़े को क्वेश्चन जोड़ा हैगा है भाई, आपने दूजी माइनस पहली तो आप डेफिनेशन लगा ली, तो डेफिनेशन जो लगाई तो तुसी एलसीएम ले लो हमने, तो ये आ गया थोड़े को बी प्लस सी माइनस ए, सो ये आ गया ए प्लस बी सी प्लस ए, सो सी प्लस ए माइनस बी, सो ये ना कैंसल हो गया बी माइनस ए, ठीक है जी। तो ये आ गया सी प्लस ए बी प्लस सी, सो इधर ए कैंसल हो गया सी माइनस बी, तो नीचे आ गया ए प्लस बी सी प्लस ए। सो देखो जी इतने तक अपना हिसाब किताब जहा बन गया, ठीक है। हुण तुसीं देखो भाई कोई ऐसा है जिन्ना स्केयर बनाया जा सकता, सी बी आ पे सी बी आ पे क्रॉस करो उधर, सो बी माइनस ए ए प्लस बी क्रॉस करता, ठीक है जी। नीचे कौन रह गया आ वाला सी प्लस ए इस तरफ रह गया, एदा बी अंडर रूट सी ए इस तरफ भेज देने, ये नीचे इधरों कौन गया सी ए बी इतने सी ते ए रह गया, ठीक है। ये तो वैसे ही कैंसल हो जाना, इतने बन जाना बी स्केयर माइनस ए स्केयर, इतने बन जाना और स्केयर रूट का आना,
अंडर रूट बी का स्केयर अंडर रूट सी का स्केयर, से बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सी। सो इतने गलत हो गया साइन। सो देखियो जी कितने केड़ा बनना है, सी स्केयर उरे बनना है जी उरे सी माइनस, तो सी माइनस बी। सो इस टाइम टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सो इफ इफ लिखते जाना, इफ 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 जे होवे जे होवे जे होवे इफ, इतने लिख देना ट्रू। सो जे ट्रू हो गया यदा मतलब बैकवर्ड भी सारा ट्रू हो चुका। सो इदा तुम ए पी दिया प्रॉपर्टियाँ वेरीफाई कर लिया, ठीक है जी, आशा समझ आ गया होगा। ठीक है जी, थैंक यू।